गुड मॉर्निंग, इट्स मी प्रीति कौशिकर। आज हमने स्टडी करना है टीमिंग एंड लीडिंग सिस्टम। देखो ये एक टर्म है, बहुत ही मजेदार टर्म है, बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। क्या है ये हमारी टीमिंग एंड लीडिंग सिस्टम, आज हम इसको स्टडी करेंगे। देखो टीमिंग एंड लीडिंग सिस्टम ये एक टाइप का मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड करने का तरीका होता है, यानी जो डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनको फ्रॉड करने की, अंदर से ब्लैक मनी कमाने की लगी रहती है। ठीक है, तो जो डिसऑनेस्ट पर्सन होते हैं ना वो करते हैं ये हरकत, वो करते हैं सिस्टम को अप्लाई, टीमिंग एंड लीडिंग सिस्टम। अब ये एक्चुअल में होता क्या है टीमिंग एंड लीडिंग सिस्टम, तो कह रहा है टीमिंग एंड लीडिंग सिस्टम पहला पॉइंट कह रहा है शॉर्ट टर्म मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। कहता है थोड़े टाइम के लिए मिस अप्रोप्रिएट करना फंड्स के साथ, ये होता है टीमिंग एंड लीडिंग सिस्टम। अगले पॉइंट में क्लियर करा बाय डिलेइंग द रिकॉर्डिंग ऑफ रिसीट्स। जो रिसीट्स आपको मिल रही हैं, आप एम्प्लॉयज एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपका कोई डेटर था आपको पैसे देके चला गया, ठीक है, यानी आपको उसने पैसे देने थे, उसने आपको पैसे दिए और चला गया। आप क्या कर रहे हो, उसकी जो रिसीट्स को रिकॉर्ड कर रहे हो ना उसको डिले कर रहे हो, यानी बाद बाद में जो आपके पास पैसा आ रहा है उसको बाद बाद में रिकॉर्ड कर रहे हो। अब आप सोच रहे हो कि आपने तो कंफ्यूज कर दिया, ढंग से समझाओ कि क्या होता है। तो देखो मैं आपको एग्जांपल लेके क्लियर कर दूं। देखो तो क्या होता है, जो जैसे राम है, राम जो है वो हमारा क्या है, वो कैशियर है, ठीक है, जो कैश को कलेक्ट करता है, यानी कि जो भी बंदा आता है अपना चेक डिपॉजिट कराता है, यानी चेक सबमिट कराना, तो वो यानी चेक डिपॉजिट कराना तो चेक को भी ले लेता है वो। लेकिन क्या, अगर किसी ने अपनी रिसिट सबमिट करानी है, कैश पेमेंट करके जाना है, तो वो करके जा सकता है। राम हमारा कैशियर है। तो ए आया, ए कहता है कि मैंने 2000 रुपीज़ आपके पास सबमिट कराने हैं, डिपॉजिट कराने, भाई 2000 रुपीज़ रख लो मेरा आपके पास, मैं लेटर हूँ आपका, पैसे रहते थे ले लो। कहते ठीक है, 2000 आया इसने रख ली। क्या किया राम ने पर्सनल पर्पस के लिए इसका यूज कर लिया, ठीक है, पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया राम। फिर आया बी लेके आया 3500 रुपीज। जब ये 3500 रुपीज लेके आया तो इसमें से 2000 माइनस करके ये 2000 यहाँ पे ए के नाम पे, ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, तो बचे कितने, बचे इसके पास 1500, यानी 1500 का बैलेंस बी के अकाउंट में अभी भी प्रेजेंट है। लेकिन बीच में 2000 रुपीज कहाँ गए, अब 2000 रुपीज का अकाउंट, बी का अकाउंट शॉर्ट रह गया, ठीक है, 3500 में से 2000 इससे दिए ना एक अकाउंट पूरा करने के लिए, तो एक अकाउंट में तो राम ने 2000 ट्रांसफर कर दिए, इसके में 1500 रह गए, 2000 से अब ये शॉर्ट है। अब जब ये 2000 से शॉर्ट है, जब सी आया कैश लेके 5000, तो कहता है 2000 आप इसके कंप्लीट कर दो, ठीक है, यही कहेगा। जब कहता है ठीक है मैंने 2000 कंप्लीट कर दिया, मेरे अकाउंट में यानी सी के अकाउंट में केवल 3000 रुपये रह गए, जबकि डिपॉजिट कितने कराने आया था, 5000, तो अब बचे कितना अमाउंट, बच गया अब 3000, तो इसके लिए अकाउंट में अमाउंट प्रेजेंट है, लेकिन 2000 कौन देगा, अब 2000 कैशियर के नाम पे आ गया, राम के नाम पे, लेकिन क्या करता है राम, अकाउंट में रह, कैसे किया, एक अकाउंट में 2000 ट्रांसफर करना था, लेकिन वो 2000 राम ने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया। नेक्स्ट जब बी ने 3500 रुपीज दिए, तो उसमें से 2000 इसके पूरे कर दिए और इसके 1500 रह गए, अब 2000 रुपये का रह गया ना बीच में गपला, तो अब उसको कैसे पूरा करे, अब वो कैसे पूरा होगा जब पहले उसने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया था। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, अब ये तो एक दो तीन बंदे की बात थी, और भी बंदे आएंगे फालतू कैश ले लेके, ठीक है, वो भी अपनी रिसीट जमा कराते जाएंगे, तो क्या करते जाते हैं इस तरीके से, जो ये राम है वो पैसे को डिले करता जाएगा, यानी रिकॉर्ड करने में जो लास्ट में आ रहा है उसका, फिर नेक्स्ट बंदा आएगा तभी उसका अकाउंट को कंप्लीट करेगा, कंप्लीट अकाउंट तभी डालेगा, अमाउंट तभी डालेगा जब नेक्स्ट बंदा आके डिपॉजिट कराएगा, यानी वो बेचारा आपने अमाउंट पूरा डिपॉजिट करा रहा है, उस बात से कोई मतलब नहीं, बीच में क्या कह रहा है पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा कैश को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है भाई, ऑर्गेनाइजेशन के कैश का मिसयूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन वाले उसको पता है भाई, ऑडिटर जब आएगा ना चेक करने के टाइम पे, जब मेरा फ्रॉड को डिटेक्ट करने का टाइम आएगा, या तो मैं क्या करूंगा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भाग जाऊंगा उस टाइम पे, ठीक है, या फिर मैं क्या करूंगा, अगर ज्यादा ही केस आएगा तो बाद में जो लास्ट वाला अमाउंट बचेगा, जो लास्ट वाला अकाउंट बचता है उसके मैं पैसे फिर लास्ट में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, अपने पास से डाल दूंगा। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, सोचते हैं जब तक काम चल रहा है तब तक चलने दिया जाए, यानी रिसीट को डालने में वो डिले करते रहते हैं कि बाद बाद में रिकॉर्ड करते जाएंगे हम, जैसे जैसे पैसा मिलता जाता है साथ साथ रिकॉर्ड नहीं करते। तो देखिए एक बार हम ढंग से पढ़ते हैं इसको। सबसे पहली बात, शॉर्ट टर्म इस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, ये कब होता है, जब शॉर्ट टर्म इस फंड्स को मिस अप्रोप्रिएट किया जा रहा है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बाय डिलेइंग द रिकॉर्डिंग ऑफ रिसीट्स, जो रिसीट्स आप रिकॉर्ड कर रहे हो उनको डिले कर रहे हो, यानी लेट लेट यहाँ पे रिसीट को
देर देर में क्या किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है. नेक्स्ट पॉइंट आता है द कंसीलमेंट ऑफ अ शॉर्टेज बाय डिलेइंग द रिकॉर्डिंग ऑफ कैश रिसीट्स. जो कैश रिसीट्स आपके पास आई हैं, उनको रिकॉर्ड करते टाइम आप डिले कर रहे हो. क्यों कर रहे? और डिले करने की वजह से क्या हो रहा, शॉर्टेज हो रही है कैश की. ठीक है, अब शॉर्टेज होगी ना कैश की, 3500 बचा है उसके पास, जबकि उसको उसने 5000 बेचारा सबमिट करा चुका था. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे छुपा लिया जाता है पैसा, ऐसा पैसे को छुपा लिया जाता है और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर शॉर्टेज हो जाती है पैसे की, वर्किंग कैपिटल कम रह जाती है. किसके अंदर? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. जो कामकाज खर्चे चल रहे होते हैं, एक तो भाई इसके पास 5000 रुपए होते हैं, 3500 अलग होते, 2000 अलग होते, तो तब काम चल रहा होता है उसका. राम ने क्या किया, 2000 पहले से बीच में हड़प करके बैठा है, तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. वर्किंग कैपिटल जो है कम बच जाती है, जो हमारे खर्चे चल रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के. अब ये तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल है कि राम ने 2000, वो बीच में बहुत ज्यादा मार्जिन खाते रहते हैं ऐसे. बीच में उनको पता होता है यार कैश तो आना जाना लगा रहता है, बीच में तुम्हें काम करने की यूज करने की जरूरत पड़े कर लो ना यूज, बाद में हम अपने आप पूरे कर लेंगे. ठीक है, तो वो ऐसी हरकतें करते हैं. इसी हरकत को या हम कहें इसी टर्म को हम टीमिंग एंड लेडिंग सिस्टम का नाम देते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है सम कैश ऑफ द बिजनेस इज ऑलवेज इन द हैंड्स ऑफ डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज. कहता है कुछ पैसा बिजनेस का हमेशा डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज के हाथ में रहता है फॉर देयर पर्सनल यूज. और वो क्या करते हैं, उससे अपने पर्सनल यूज करने के लिए उनके पास हाथ में पैसा रहता है डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज के. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिसऑनेस्ट पर्सन है उनके पास वो अमाउंट आ जाता है हाथों में, और वो उससे क्या करते हैं, पर्सनल यूज करते. नेक्स्ट, द अमाउंट रिसीव्ड इज रिसीव्ड बाय चेक. द अमाउंट ऑफ चेक क्या क्या रखा है, कहता जो अमाउंट रिसीव हुआ ना बाय द चेक यानी थ्रू द चेक रिसीव्ड, हम करेंगे थ्रू द चेक. जो हमारा यानी कैश हमें रिसीव हुआ, जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ कैश के थ्रू, उसको क्या किया जाता है, उसको स्प्लिट कर दिया जाता है बहुत सारे पार्ट्स में. जैसे 2000 का कैश जब रिसीव हुआ तो उसे डायरेक्ट 2000 ना डाल करके ऐसा डाला जाता है, 500 को एक बार डाल दिया, नेक्स्ट 500 जब किसी दूसरे बंदे के पास से आ रहे उसके 500 को डाल दिया गया, 200 डाले, इस तरीके से 700 डाले, इस तरीके से कंप्लीट किया जाती है 2000 की अमाउंट. तो जब इस तरीके से चेक को पार्ट कर दिया जाता तो उसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ चेक. ठीक है, यानी चेक को ही स्प्लिट कर दिया गया बहुत सारे पार्ट्स के अंदर. नेक्स्ट आता है हमारा एम्बेजल्ड अमाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर. कहते हो जो एम्बेजल्ड की गई अमाउंट है, जैसे यहाँ पे घपला की गई अमाउंट है, वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है. लेकिन क्या होता है, जो अमाउंट होती है वो डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज के हाथ में बची रह जाती है. जब उन्हें ऐसा लगता है कि भाई अब फ्रॉड ऑडिटर आ गया है, अब आपको फ्रॉड पकड़ने का चांसेस 100% है, तो या तो वो कुछ बहाना बना के कुछ करके, या फिर वो क्या करते हैं, रिजाइन दे देते हैं एम्प्लॉयज, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के एम्प्लॉयज भाग जाते हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि लास्ट में जितना पैसा देना होता है वो देके और अपना काम समाप्त करते हैं, यानी कि सोचते हैं अब तो देना ही पड़ेगा. लेकिन फिर भी यार बीच में उन्होंने वर्किंग कैपिटल को कितना नुकसान पहुंचाया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बेचारे ऑर्गेनाइजेशन को लोन लेना पड़ा होगा वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए, और वो बीच में खाए बैठे हैं पैसे को. तो समझ रहे हो इस बात को, तो इस सिस्टम को कहा जाता है टीमिंग एंड लीडिंग सिस्टम. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. होप यू लाइक इट. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.